स्टूडेंट्स, हम लोग क्लोरोफॉर्म का लैब प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं और केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानकारी करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करूंगा आपसे। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का रंगहीन और हैवी लिक्विड है, कलरलेस एंड हैवी लिक्विड। इट्स टेस्ट इज स्वीट, स्वाद में मीठा होता है, परंतु जलन उत्पन्न करता है, टंग में लग जाने पर जलन उत्पन्न होता है। देन हैवियर देन वाटर, जल से भारी होता है। देन अनसॉल्युबल इन वाटर, जल में अविलेय होता है, परंतु कई सारे कार्बनिक यौगिकों के लिए एक अच्छा विलायक होता है, ए गुड सॉल्वेंट। इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील नहीं होता है। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हुए क्लोरोफॉर्म के। देन केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन से समझ लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। व्हेन क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन इट मेक्स अ पॉइजनेबल गैस नेम्ड फास्जीन, आल्सो नेम्ड कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कराते हैं तो यह ऑक्सीकृत होकर के फास्जीन नामक विषैली गैस का निर्माण करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, रिडक्शन। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड वाटर, देन इट मेक्स मीथेन। जब जिंक चूर्ण और जल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो यह अपचयित होकर के मीथेन का निर्माण करता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। देन अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। इट इज एन नॉमिनल रिएक्शन। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक सोडा NaOH एट 340 केल्विन टेम्परेचर, इट गिव्स सैलिसाइल्डिहाइड। इट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस गिवन रिएक्शन, सैलिसाइल्डिहाइड। जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा से कराते हैं तो लगभग 340 केल्विन टेम्परेचर पर मुख्य उत्पाद के रूप में सैलिसाइल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस OH नॉर्मल पोजीशन पर है, देन फिनॉल होगा एंड सेकेंड नंबर कार्बन पर CHO के एड हो जाने से एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा, इसलिए इसका नॉमिनेशन करेंगे सैलिसाइल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर इस रिएक्शन को रिपीट करूं कि जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा से कराते हैं तो लगभग 340 केल्विन टेम्परेचर पर सैलिसाइल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। देन फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज, कंडेंसेशन विद एसीटोन। एसीटोन के साथ संघनन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू। क्वेश्चन से टू यू, हाउ टू यू फाइंड आउट क्लोरीटोन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म और हाउ टू यू फाइंड आउट क्लोरीटोन फ्रॉम एसीटोन, यानी एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, एक रिएक्शन। दूसरा, व्हाट हैपेंड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ एसीटोन। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं, एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3, स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बट नॉर्मली CH3COCH3, तो कास्टिक पोटास की प्रेजेंस में क्लोरीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका जो O है वो सिमेट्रिकल हो जाता है H के साथ में, जिससे OH ग्रुप बन जाता है और बचा हुआ सबस्टेंस CCl3 के रूप में एक वैलेंसी में ऐड हो जाता है। इस बने कंपाउंड को क्लोरीटोन नॉमिनेट करते हैं।
देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कार्बिल एमाइन रिएक्शन डिसेंडमेंट्स कॉन्सेप्ट व्हेन अ नाइट्रोजनस कंपाउंड एमाइन्स रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक पोटास देन दे मेक्स देयर डेरिवेटिव ऑफ आइसोसाइनाइड्स जब एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास से कराते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है उपरोक्त अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं देन नाइट्रेशन इसको नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराते हैं नाइट्रिक एसिड को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं HONO2 तो ये क्लोरोफॉर्म का सिंगल हाइड्रोजन एडिट होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में रिप्लेस करेगा और कंपाउंड बनेगा CCl3NO2 CCl3NO2 इट इज नोन एज क्लोरोपिक्रिन इट इज एंड द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज नोन एज क्लोरोपिक्रिन नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के उपयोग फर्स्ट एज ए एनेस्थेटिक सब्सटेंस बेहोशी लाने वाले पदार्थ के रूप में अर्थात इसको निश्चेतक पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है देन एज ए सॉल्वेंट फॉर आयरन फैट एंड रेजिन कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ हैं जैसे तेल वसा और रेजिन इनके लिए कार्बनिक विलायक के रूप में भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं देन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीटोन एंड क्लोरोपिक्रिन एंड एसेक्टर क्लोरीटोन और क्लोरोपिक्रिन के अलावा भी बहुत सारे और यौगिक हैं जिनके निर्माण में क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं देन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन औषधि निर्माण के क्षेत्र में यानी दवाइयों के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं एंड एज अ लैब रिएजेंट क्लोरोफॉर्म का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लिया क्लोरोफॉर्म का लैब मेथड विथ डायग्राम प्रिंसिपल उसके केमिकल रिएक्शंस मेथड फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज